एंड गुड मॉर्निंग, मैं आपका मोती कुमार। आज चलिए, आज आपको लाइव लेकर आ रहे हैं। वीडियो मशीन पे आपको टोटल सीट दिखाएंगे कि हम वो हमेशा आपको पैरामीटर ये वो आपको दिखाते थे ना कि कैसे ये होगा, सेटिंग कैसे होगा, लेकिन कटिंग आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखाया था। आज चलिए, मैं एक छोटा सा जॉब को हम प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे। चलिए जी, देखिए ये सॉफ्टवेयर डीएनई का है फ्रेंड, ये डीएनई का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर में ये सिपकट सॉफ्टवेयर है, ये सिपकट सॉफ्टवेयर के बारे में तो आपको बता ही चुके हैं फ्रेंड। तो चलिए, कोई भी फाइल है, इसमें फाइल हम ले लेते हैं। आज मेरा 11 जनवरी है, एक ये फाइल कटिंग करना है फ्रेंड। इसको हम फाइल को लोड करने के लिए आपको बताए हुए थे कि ओपन में जाना है और उसके बाद में ये डेट में जाना है, जो आपका जहाँ पे फोल्डर रहेगा मेरा यूएसबी में है। तो हम इसमें गए, इसमें सेव करके रखे हैं, इसको हम वो सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे फ्रेंड। ये देखिए आ गया फ्रेंड। इसको आने से पहले मैं आपको बताया था सेफ्टी के लिए कि अगर इनकेस अगर ड्रॉइंग में गलत भी होगा या डबल लाइन भी होगा तो पहले इसको एक्सप्लोड करने का फ्रेंड, उसके बाद में इसको डबल, ये देखिए डिलीट डुप्लीकेट, उसमें रिमूव डुप्लीकेट लिखा हुआ था, इसमें डिलीट। मैं बताया था आपको कि ये सेम सेम है फ्रेंड, तो डिलीट कर दिए हैं, उसके बाद में इसको ज्वाइंट कर दिए फ्रेंड। ओके, ये ओके हो गया, मेरा फाइल अभी ओके है। अभी इसको हमको लीड लाइन डालना है फ्रेंड। तो लीड लाइन ये ऊपर में लाइन ही सेलेक्ट रहेगा और ये एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। अगर कॉमन कट करेंगे तो वहां पे 0 डिग्री रहेगा, अदरवाइज 90 डिग्री रहेगा फ्रेंड। तो चलिए, लेंथ अभी 6 mm में कटिंग करना है, तो मेरे को ज्यादा नहीं 3 mm लीड लाइन डालना है फ्रेंड। ओके, 3 mm लीड लाइन हम डाल दिए। देखिए ये लीड पोजीशन है फ्रेंड, हम लीड पोजीशन के बारे में आपको बताया था कि लीड पोजीशन से हम आपको जो स्टार्ट पॉइंट है हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं फ्रेंड। चलिए, हम यहाँ पे कॉर्नर पे रखे हैं। ओके, राइट क्लिक करके कैंसिल कर दिए, अदरवाइज स्क्राइब करेंगे तो वो हट जाएगा फ्रेंड। उसके बाद में ये देखिए, इसको हम कॉमन कट करेंगे फ्रेंड। ये मेरे को ये स्टिपनर इसको बोलते हैं, एंगल जो है ये स्टिपनर है, इसको स्टिपनर को कट करना है। तो देखिए, हम कंट्रोल प्लस ये दो कर दिए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल पकड़ के जहां भी करेंगे जितना भी कॉपी हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो चलिए इसको अभी, कल का ही हम आपको वीडियो में ये बताए थे ट्रांसफॉर्म फ्रेंड, रोटेट का, मिरर का। तो चलिए इसको हम रोटेट कर सकते हैं, रोटेट करेंगे, लेकिन इसको फिर रोटेट करेंगे, ऐसा आ गया फ्रेंड। अभी हम इसको यहाँ पे अल्लाह का इसको कर्सर माउस पकड़ के यहाँ पे टच कर देंगे फ्रेंड, ये टच कर लेंगे। ऐसे तो आप ऑटोकैड में भी बना लेंगे, लेकिन ये टूल्स, ये यहाँ का टूल्स आपको जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पे गैप है फ्रेंड, यहाँ पे गैप है, तो मैं देखिए आपको बताया ही हूँ कि इसको एक्सप्लोर कर लीजिए, ये अलग अलग पार्ट हो गया फ्रेंड। इसके बाद में इसको जो डबल लाइन होगा एक्स्ट्रा, ये इसका सेंटर का, और डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो गया। अब ये सिंगल लाइन बचा फ्रेंड, आपको विश्वास नहीं होगा तो देखिए सेलेक्ट किए, सिंगल लाइन है। ओके फ्रेंड, तो इसको हम ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम ज्वाइंट 0.1 नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे मालूम ही नहीं चला कि कितना गैप है, इसलिए हम वहां पे 2 डाल दिए। अगर 1 mm भी गैप होगा तो ज्वाइंट कर लेगा फ्रेंड। देखिए ज्वाइंट हो गया, ये सिंगल हो गया और ये सिंगल हो गया फ्रेंड। ओके, तो चलिए अभी हमको इसको, अब हमको सेट करना है अभी यहाँ इसको। ये देखिए, ये 0 degree है, इसको लीड लाइन इसमें डालेंगे, इधर से 0 degree और इधर से 3 mm। ओके फ्रेंड, ये देखिए 0 degree आ गया, ऐसे आएगा और इधर हम 90 degree डालेंगे। लेकिन मुश्किल नहीं है, हमें वो आपके लिए बता रहे हैं, हमको हम देखिए उसमें लीड लाइन नहीं भी डालेंगे ना तो चलेगा फ्रेंड। ओके, तो चलिए इसको, ये देखिए यहाँ पे है, इसको हमको ज्यादा क्वांटिटी कट करना है, 40 क्वांटिटी है फ्रेंड, 40 पीस कट करना है। तो पहले सीट का साइज चेक करेंगे, स्टैंडर्ड सीट आता है 1.2 by 2.4 फ्रेंड मीटर में, सीएम में आएगा 120 by 240 फ्रेंड, और एमएम में आएगा 1220 by 2440 फ्रेंड। तो मेरा अभी सीट है 2 meter by 2 meter का है और मेरा बेड साइज भी 2 meter है फ्रेंड, तो हम 2 meter में ही इसको अरेंज करेंगे। तो चलिए 2 meter में अरेंज करेंगे, तो आर में जाएंगे, आर आपको क्लिक किए थे, बताए थे ये अप और डाउन के लिए, टॉप बॉटम के लिए ये है फ्रेंड, और ये है राइट लेफ्ट के लिए। तभी हमको टॉप पे नहीं जाना है, पहले हम राइट और लेफ्ट का सेट कर लेंगे कि इसका जो विड्थ है वो सेट कर लेंगे, उसके बाद ज्यादा क्वांटिटी रहेगा तो हम आगे उसको करेंगे फ्रेंड। तो ये इसका एक पार्ट और दूसरा पार्ट का बीच में जो गैप रहेगा वो 5 mm डाले हुए हैं फ्रेंड, ये है। उसके बाद में यहाँ पे हम आरो डाल दिए और चेक करते हैं कितना पीस आता है, 20 डालकर मैं इसका, ये आपको बताया था कि इसका साइज हम कैसे चेक करते हैं फ्रेंड, ये है स्केल, स्केल को क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए साइज दिखेगा। ये अभी देखिए 2 meter 95 एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि मेरा बेड का साइज 2 meter है फ्रेंड, तो हम एक पीस इसमें से डिलीट कर लेंगे फ्रेंड। ओके फ्रेंड, अब ये मैं चेक करूंगा कि ये कितना पीसेस है फ्रेंड, हाँ 1990 ये कट जाएगा फ्रेंड, 1990 का है, लेकिन तब भी हम एक पीस डिलीट कर जाऊँ क्योंकि उधर मटेरियल में मैं कट कर चुका हूँ। तो देखिए 18 पीस आया, 18 पीसेस फ्रेंड, हम 18 को डबल कर दिए
वन इधर कर दूं, अब ऊपर में अब हमको करना है, तो इसको डबल कर दूं, 18 18 36 हो गया फ्रेंड, 36 प्लस हमको 40 चाहिए ना, तो इसको भी हम 4 पीस को सेलेक्ट करके ऊपर डबल कर दिए, ये हो गया 40 पीसेस मेरा फ्रेंड। उसके बाद में इसको हमको कट करना है, फिर इसको कट करने के लिए हमको इसमें भी हम कॉमन कट कर सकते हैं फ्रेंड, इसको पहले हमको आरओ इसको करेंगे फ्रेंड, इधर से 1 क्लिक करेंगे और इधर से 18 नहीं ये शायद 20 आ सकता है, चेक करते हैं, ट्राई करते हैं फ्रेंड। ये देखिए इधर से 0 डालेंगे कॉमन कट करने के लिए फ्रेंड, 0 करेंगे तभी वो टच रहेगा फ्रेंड, और जब हमको सिंगल सिंगल पीस कट करना है तो उसमें गैप डालेंगे बिटवीन टू पार्ट। तो ये देखिए कितना इसका साइज आया, 13 से ये आ जाएगा फ्रेंड, चले ओके। तो ये भी 40 पीसेस कट करना है हमको, कितना हुआ, 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 20 2 40 पीसेस हो गया फ्रेंड। चलिए हम 2 पीस एक्स्ट्रा ही रख लेते हैं फ्रेंड, कितना कट करना है, 10 नहीं नहीं 40 पीस कट करना है ना स्टिपनर, 40 ये 10 ये दूसरा 10, लेकिन यही ड्रॉइंग में था केवल एक सिंगल, ये 175 बाई 65 ये दोनों सेम है, ये इसी का है, इसमें दिखाया है खाली, ये कट करना है 40 पीस है और ये। तो चलिए फ्रेंड क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत डाउट था कि ये कितना क्वांटिटी रहेगा कितना नहीं, तो चलिए अभी मैं फिर हम आपको कंटिन्यू बता रहे हैं फ्रेंड। ये देखिए कि हम 40 पीसेस है तो हम एक्स्ट्रा अभी नहीं कट करेंगे ओके। इसको हमको एक और आइडिया बता रहा हूँ फ्रेंड, इसको मैं क्या करूँगा ना, इसको एक्सप्लोर कर दूंगा कॉमन कट करने के लिए, आप लोग को जो जैसा लगेगा वैसे हम, हमको पूरा मालूम है कि कैसे कैसे कट कर सकते हैं। ये देखिए डिलीट किए हैं, फिर आपको कॉमन कट तो बता ही दिए हैं कैसे कैसे करना है, इसको ज्वाइंट ज्वाइंट करने से पहले वन मोर थिंग, नहीं तो अलग अलग भी ज्वाइंट हो सकता है फ्रेंड। तो हमको क्या करना है ज्वाइंट करने के लिए फ्रेंड ना, ये ऑल सेलेक्ट करके इधर कंट्रोल पकड़ के शिफ्ट पकड़ के और ये हमको हटा लेना है, केवल हम बॉर्डर को ज्वाइंट करेंगे फ्रेंड। ये हो गया ज्वाइंट फ्रेंड, फिर हमको ऑल सेलेक्ट करके ये मैं रिमूव करके फिर इसको ज्वाइंट कर लेंगे, एक ही बार में मेरा टोटल कट हो जाएगा। वाह क्या बात है, देखिए फ्रेंड ये एक लाइन हो गया, यहाँ से एक स्टार्ट करेंगे, ये पूरा एक लाइन ऐसे 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 कट करेगा, उसके बाद में ये फ्रेम कट कर देंगे, ओके हो जाएगा फ्रेंड, मेरा स्टिपनर रेडी हो गया। देखिए मटेरियल इसमें इतना सेविंग है कि देखिए फ्रेंड मेरे को इसमें स्टिपनर चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पूरा 0 0 यहाँ तक से कोई भी मटेरियल भी वेस्ट नहीं जाएगा फ्रेंड। ओके इसको चाहूंगा तो हम लीड लेंथ 90 डिग्री में डाल भी सकता हूँ, 90 डिग्री। ओके फ्रेंड ये देखिए शॉर्ट क्लिक, कभी वो अंदर भी रहेगा ना तो शॉर्ट क्लिक करना मत फ्रेंड, शॉर्ट 100% क्लिक कीजिएगा, और लीड पोजिशन डालकर मैं यहाँ पे कर दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ पे है, तो इसको मैं यहाँ पे जो स्पेस है मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे रख दूँ, ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे रख दिया, तभी भी बैलेंस इतना है। ओके फ्रेंड तो चलिए मैं आपको बताया हूँ कि बटन टॉप ये आपको ये इसके शॉर्ट के नीचे में क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्शन पूरा दिया हुआ रहेगा फ्रेंड, किधर से किधर आपको मशीन मूव होना चाहिए। तो अभी हम आपको बता रहा हूँ कितना बार डायरेक्शन पे वीडियो में बनाया हूँ, लेकिन ये देखिए मेरा 2 मीटर ऐसे है, तो हमको अभी बॉटम टू टॉप नहीं जाना है, अगर हमको बॉटम टू टॉप में बहुत ज्यादा पीसेस है तो बॉटम टू टॉप जाएंगे, लेकिन हमको ऐसे में ज्यादा है तो हम क्या करेंगे राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो हम चलिए इसके ऊपर सेलेक्ट किए राइट टू लेफ्ट, यहाँ से ऐसे कट करके जाएगा फ्रेंड, उसको चेक करने के लिए फ्रेंड यहाँ ओके कर दिए, शिफ्टर सॉफ्टवेयर में मॉडिफाई करना है फ्रेंड, कटिंग करना है डीएनई सॉफ्टवेयर में, कोई भी दोनों सॉफ्टवेयर में अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज मेरा कमेंट में आप एसएमएस कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हुआ था फ्रेंड। तो ये चलिए अभी यहाँ पैरामीटर हमको सेट करना है फ्रेंड, चलिए आपको पैरामीटर भी इसमें साथ में बता देंगे फ्रेंड। तो ये देखिए पहले चेक करेंगे इसको, सिमुलेशन करेंगे, तो फ्रेंड ये देखिए राइट टू लेफ्ट कटिंग, ये पहले चेक करना है कि रियल में मेरा मशीन जो मैं सेट किया हूँ वैसे वो कटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है फ्रेंड। तो ये देखिए राइट टू लेफ्ट, पहले ये 3 पीसेस इस साइड से कट किया, फिर वो तब जाकर राइट टू लेफ्ट जाकर कटिंग कर रहा है फ्रेंड। ओके थैंक यू फ्रेंड, फिर इसको मैं स्टॉप कर देंगे सिमुलेशन को फ्रेंड, ये देखिए स्टॉप हो गया, उसमें टाइम भी दिखाता है सिमुलेशन में फ्रेंड। एक पैरामीटर पहले का कौन सा सेट है कौन सा नहीं, अभी हमको पैरामीटर सेट करना है फ्रेंड, पैरामीटर हमको कौन सा मटेरियल कटिंग करना है, तो हमको कार्बन स्टील एमएस का 6 mm कटिंग करना है फ्रेंड, 6 mm कटिंग करना है तो चलेंगे जो आपके कंप्यूटर में सेव हुआ रहेगा पैरामीटर ऑलरेडी, उसको ही सेलेक्ट करना है फ्रेंड। तो हम इसमें जाएंगे फ्रेंड, तो ये देखिए टेक्निक्यू आपको बताए हुए थे वीडियो में पैरामीटर का वीडियो में, इसी में जाएंगे टेक्निक्यू में जाएंगे, उसके बाद रीड में जाएंगे फ्रेंड,
और उसके बाद में ये देखिए पूरा पैरामीटर मेरे को एल्युमिनियम से लेकर पूरा ए टू जेड है। लेकिन हमको इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है फ्रेंड, तो MS 6 mm सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड। और इसमें पूरा डिटेल्स से हम सेव करके पैरामीटर रखते हैं फ्रेंड कि क्या है मटेरियल नेम MS 6 mm, कौन सा गैस यूज करना है तो O2 ऑक्सीजन यूज करना है फ्रेंड। नोजल कौन सा लगेगा फ्रेंड, तो डबल लेयर का 1.4 का नोजल लगेगा फ्रेंड। ओके तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करके ओके कर लेते हैं फ्रेंड। अभी यहाँ पे डिटेल्स दे दिया, अगर आपको कुछ भी चेंज करना है या थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं फ्रेंड। देखिए अभी मेरे पास कटिंग स्पीड 2.8 है फ्रेंड, फ्लो हाइट 0.7 है, गैस टाइप ऑक्सीजन है, गैस प्रेशर 0.9 बार है, पीक पावर 60% है फ्रेंड। 60% मीन 7200, बिकॉज ये मेरा मेरा मशीन का ये कैपेसिटी है 12 kW का है, 12000 W का है फ्रेंड। तो इसीलिए ड्यूटी साइकिल को 100% रख दिए, पल्स फ्रीक्वेंसी को 3000 रख दिए, स्पोर्ट को कहीं यूज करने का जरूरत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है फोकस पोजीशन फ्रेंड, फोकस पोजीशन को -0.9 रखे हैं, हम इसको 1 रख लेंगे फ्रेंड। ओके फोकस पोजीशन का मतलब कि वो जो उसका जो लेजर आएगा एकदम पूरा डाउन जाने के लिए, बहुत ज्यादा भी मत डाल दे दीजिएगा नहीं तो लेंस खराब हो जाएगा, डैमेज कर सकता है, इसीलिए फोकस पोजीशन एडजस्ट करके यही सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। अगर फोकस पोजीशन अच्छा से सेट करेंगे तो बहुत अच्छा से कटिंग करेगा फ्रेंड। अब यहाँ पे चलिए ये पियर्स पैरामीटर है, पियर्स हमको 1 स्टेज चाहिए क्योंकि बहुत कम थी थिकनेस है ना, अगर यही मोटा रहेगा 20 mm का रहेगा तो हमको 3 स्टेज करेंगे, 12 mm 14 mm का रहेगा तो 2 स्टेज करेंगे, अदरवाइज 1 स्टेज में। ये क्यों है, ये पियर्स क्या है, जब भी मशीन स्टार्ट करता है तो पहले प्लंजिंग करेगा, होल मारेगा, तो जब भी वो प्लंजिंग करेगा तो उसको पावर चाहिए, मोटा थिकनेस रहेगा एक बार में प्लंजिंग करेंगे तो पूरा प्लंजिंग नहीं करेगा, जब तक से वो पूरा प्लंजिंग और कोई भी सीट है उसका आर पार नहीं कट करेगा, होल नहीं करेगा, उसके बाद वो कटिंग नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये पावर है पहले प्लंजिंग उसके बाद में वो कटिंग करता है। तो मेरा ये 6 mm का है, 1 बार में वो ओके हो जाएगा, 10 mm 12 mm तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फर्स्ट स्टेज ओके फिर ओके। तो मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ओके कर दे रहे हैं ओके, मेरा पैरामीटर A to Z रेडी हो गया फ्रेंड। ओके अभी हमको क्या करना है, देखिए मशीन पर चलते हैं, अभी फर्स्ट टाइम मशीन आपको टच करेंगे तो इससे पहले आपको इसका लेंस चेक करना है। आइए फ्रेंड देखिए, पहले लेंस चेक कीजिए, स्टार्ट करने से पहले आपको लेंस चेक करना है फ्रेंड कि ये ओके है या नहीं है। अभी इसको क्लोज कीजिए, ये ओके है फ्रेंड, तो ये ओके है, देखिए फ्रेंड ये अगर टाइट नहीं हो रहा है, इससे पहले आपको लेंस को चेक करना है कि ये पूरा अच्छा से प्रॉपरली बैठा है ना, ये केयरफुली फ्रेंड। ओके ये ओके हो गया, लेंस आपका ओके है। उसके बाद में आपको ये देखिए नोजल को चेक करना है, आपको हम तो बताए थे कि नोजल 1.4 का डबल लगेगा, तो ये 1.4 का डबल है, ओल्ड है, मुश्किल नहीं है, चलेगा। ये देखिए इससे अगर थोड़ा सा डाउन साइड में कुछ रहेगा भी तो इसे क्लीन कर सकते हैं फ्रेंड, तो डैमेज ही है नोजल लेकिन मुश्किल नहीं है, आप कट कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड इसको हम लगा लें, नोजल मेरा सही है, केयरफुल लगाइएगा नहीं तो थ्रेडिंग खराब हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड मेन इंपॉर्टेंट अभी आपका आया, देखिए अभी मैं रिमोट लेकर आता हूँ फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड रिमोट है, और ये क्या है टेप है, और ये एलंकी है फ्रेंड। अब क्या करेंगे कि पहले ऑन करने से पहले मैं सेंटर बीम चेक कर लेंगे कि इसका जो भी ये लेजर आएगा वो सेंटर में आएगा या इस साइड में उस साइड में आएगा। देखिए यहाँ पे हम ये टच किए, शटर किए और लेजर क्लिक किए, फ्रेंड ये देखिए ये क्या है कि देखिए ये होल है, अभी मेरा सेंटर का जो लेजर है वो अभी यहाँ पे है, हमको चाहिए पूरा सेंटर में चाहिए, तो अभी यहाँ पे है, तो अभी हमको एडजस्ट कैसे करेंगे, ये देखिए एरो दिया हुआ है, इस साइड का हम ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे जाएगा, और इधर से हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो डाउन साइड आएगा फ्रेंड, ये एरो देख लीजिएगा फ्रेंड। ओके तो मेरे को एडजस्ट करना है फ्रेंड, तो अभी इस कंडीशन में है तो हमको एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे फ्रेंड, तो कहेंगे ये ऊपर में जाएगा ये, अभी मैं फिर से चेक करेंगे फ्रेंड, अभी मेरा ओके है फ्रेंड, मैं एक ही बार में सेट कर दिया, मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इसके वजह से फ्रेंड, लेकिन आप एकदम पूरा ज्यादा ये मूव मत कीजिएगा, एकदम स्लो स्लो में मूव कीजिएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड
तो चलिए मेरा मशीन हो गया स्टार्ट। कभी भी ये पकड़ के लेजर को क्लिक मत कीजिएगा, नहीं तो वो आपका हाथ डैमेज कर लेगा फ्रेंड। तो हम चेक करने के लिए शटर है, लाइट आया कि नहीं, देखिए आ गया सही लाइट, एवरीथिंग ओके है फ्रेंड। अभी उससे पहले मैं कैलिब्रेशन करेंगा फ्रेंड, कौन सा सीट है मेरा, देखिए उस साइड में सीट है। ये मेरा बेड का साइज है, 2 मीटर बाई 6 मीटर का बेड है, डबल बेड का, देखिए फ्रेंड। अभी थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, ओके फ्रेंड। गैस ऑन करेंगे तो देखेंगे गैस आया है कि नहीं, गैस का रिमोट दबा इसका, देखिए आपको एक और शॉर्टकट बता रहा हूँ तरीका फ्रेंड कैलिब्रेशन करने का। देखिए ये रिमोट है, रिमोट में डायरेक्ट हम क्लिक करेंगे फॉलो, देखिए फॉलो क्लिक करेंगे, हेड गया डाउन साइड में थोड़ा सा, वन स्टेप जेड को थोड़ा सा वो ऊपर में करेंगे फ्रेंड। इसके बाद में आइए मशीन पर दिखाते हैं कि कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। ये देखिए कैलिब्रेशन है फ्रेंड, तो कैलिब्रेशन पर क्लिक करेंगे और ये देखिए स्टार्ट कैलिब्रेशन, तो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। तो ये जो दिया हुआ है स्मूथनेस और स्टेबिलिटी, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, अगर ये गुड आएगा या एवरेज में आएगा या पुअर आएगा तो आपको दोबारा मतलब कैलिब्रेशन करना है। जब तक आपका एक्सेलेंट नहीं आता है तब तक आपको ये मतलब कैलिब्रेशन करते रहना है। देखिए हम स्टार्ट कैलिब्रेशन कर दिए, देखिए वहां पे मशीन अभी कैलिब्रेशन हो रही है। देखिए फ्रेंड अभी इधर आइए, देखिए ये एक्सेलेंट आया, इनकेस अगर वो पुअर आता, अभी एक्सेलेंट मेरा ओके है फ्रेंड, तो हम यहाँ ओके कर दिए। पैरामीटर भी सब सेट है, अब वहां पे हम जाकर सेट करेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड यहाँ से हम फ्रेम का फ्रेम करेंगे, फ्रेम करके चेक करेंगे कि मेरा जो हेड है वो बराबर, देखिए अभी उतना भी बैलेंस भी है उस साइड में, मेरा ओके है, मतलब ये जो लाइट है ये सीट के अंदर में ही है फ्रेंड। उसके बाद हम आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड कभी भी हम मैं चेक करूंगा, ये देखिए पास है और ये स्टार्ट है, आप पास दबा दिए तो हम कंटिन्यू करेंगे तो ये कट करेगा फ्रेंड। ये देखिए मैं पास किया, पास करके मैं चेक करूंगा इसका क्वालिटी की सही कटिंग कर रहा है कि नहीं, क्वालिटी सही है फ्रेंड। क्यों? क्योंकि वो जो कटिंग पीसेस है वो डाउन साइड गया है और उसका जो एकदम ब्राइटनेस भी अच्छा दिख रहा है, इसीलिए अभी हमको टेंशन नहीं लेना है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं आपको पूरा टोटली डिटेल्स हम आपको दिखा दिया, और इधर भी मैं आपको एक फोकस में डाल देता हूँ इसी वीडियो में, ये वीडियो तो लंबा हो गया। ये देखिए फ्रेंड चिलर है, ये चिलर का ये जो भी है टेम्परेचर है, अभी तो क्लाइमेट चेंज है ठंडा टाइम में प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन यही गर्मी का सीजन रहता है तो ये टेम्परेचर हाई हो जाता है, अलार्म आने लगता है इसका फ्रेंड। ओके ये बाकी तो आपको होगा ही। ये देखिए फ्रेंड ये आईपीजी है, मेन इंपॉर्टेंट यही है, ये आईपीजी है, ये लेजर सोर्स है और ये आईपीजी है फ्रेंड, ये 12 किलोवाट का आईपीजी है, 12,000 वाट का फ्रेंड। और ये है कंट्रोल पैनल फ्रेंड, ये कंट्रोल पैनल है ओके, और वो स्टेबलाइजर है फ्रेंड। तो चलिए आइए, अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिए दोस्त लोगों के पास, और कुछ भी डाउट होगा फ्रेंड तो डोंट वरी, आप SMS कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उसमें है, आप SMS कीजिए, हम आपको बताने का पूरा ट्रेनिंग देने के लिए गारंटी लेते हैं। ओके थैंक यू फ्रेंड, बाय।